तो भगवान ने वरदान बचाए हैं कि देख तीर से मारूंगा नहीं, तलवार से मारूंगा नहीं, नाखूनों से फाड़ूंगा, नीचे मारूंगा नहीं, ऊपर मारूंगा नहीं, घोटन पर धर गए, भीतर मारूंगा नहीं, बाहर मारूंगा नहीं, देहरी में धर गए। देहरी का स्थान न भीतर ही है न बाहर ही, और तो जी वरदान है कि न दिन में मरू न रात में। तो देख सूरज छिप गया बिल्कुल, और सूरज छिपे का समय न तो दिन है और न रात है, इस समय मारूंगा। और तुझे वरदान है कि एक रूप से ना मरू, तो देख न तो मैं शेर हुई हूं और न मनुष्य, क्योंकि चेहरा और पंजे शेर के थे, पूरा शरीर मनुष्य का था। अंत में कही कि तुझे मालूम नहीं है मैंने वरदान ये और ले लिया था कि 12 महीना में ना मरू। सो भगवान की सुन, आज से मैंने लोंद का महीना लगा दिया है, ताय अधिक मास कहते हैं, अधिक मास। तो वो लोंद को महीना जब आता है, तो लोंद को महीना भगवान ने उस पापी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए लगाया, क्योंकि वरदान ने वरदान दे दिया था भगवान ने कि 12 महीना में मरेगा ही नहीं, इसलिए वो लोंद का महीना लगाया। और लोंद के महीना में और तब पापी हिरण्यकश्यप को भगवान ने घोटन पर धर के दोनों हाथों से चीर दिया। अब इतना क्रोध आया कि नाक से आंख से कान से अग्नि निकल रही थी भगवान की, पूरा विश्व जब अग्नि से कांप रहा था, तब सब देवता मना रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध कम नहीं हुआ। और तब कही सबने, बेटा प्रहलाद तेरी बात है, जल्दी मान लेते हैं, तू ही मना ले। तो प्रहलाद ने जब स्तुति की है, तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के ऊपर हाथ फेरा, बेटा तेने मेरे नाम के पीछे इतना कष्ट सहन किया है, तो मांग ले प्रहलाद क्या मांगना चाहता है। देखिए प्रहलाद जैसे बेटा ने दो वरदान मांगे थे भगवान से, नरसिंह भगवान से दो वरदान मांगे कि प्रभु पहला वरदान तो यह मांग रहा हूं कि तुम मेरे पिता को नरक में मत डालना, औलाद होता है ऐसे। और दूसरा वरदान प्रभु यह है, आज के बाद मेरे वंश के किसी वीर को कभी तुम अपने हाथ से नहीं मारोगे, कभी नहीं मारोगे। ये दोनों वरदान दे करके नरसिंह भगवान चले गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, ध्यान से सुने, कल गंगा जी का अवतरण बताया जाएगा भागवत कथा में, और भगवान श्री राम और सीता मैया का विवाह होगा जनकपुर में। ऐसा विद्वान बताते हैं कि भगवान राम और सीता जी का जो कन्यादान लेता है उसके पति की उम्र लंबी होती है। तो कल सीता मैया के कन्यादान के लिए सभी शादीशुदा माताएं बहनें कुछ न कुछ लेकर के अवश्य आना, खाली हाथ मत आना, श्रृंगार की चीज लाना, बढ़िया धोती लाना, अच्छी सी ऐसी, मतलब ये होता है तो कबाऊ न पैरों को जो रिजेक्ट धड़िया लाओ जाई ले लें। और सबसे ज्यादा फौजी और फौजन, ये दोनों पहले टैगल करियो पे बक्सा में कि सबसे ज्यादा अच्छी होए ता लेके, यो कमजोर है तो लेके ही मत आइयो, क्योंकि वो भगवान के लिए है, ठीक है। चलो सभी